हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्लास टेंथ का जो हम लोगों का सिविक्स का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम लोग, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, उसका अभी हम लोग पार्ट थ्री करने जा रहे हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जिनको मिल सके। जैसा कि हम आप लोगों से बोले थे कि कुछ ये आप लोगों का 5 वीडियो के आसपास बनाएंगे, जिसमें कि आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। अभी तक ये 2 वीडियो जो बनाए हैं उसका आपको लोगों को कैसा लगा, इसका रिस्पॉन्स बताइएगा। उन 2 वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, 9472596352, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियोज आपको मिल सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द लीडर्स हु वर्कड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को गायब करना, उसको एलिमिनेट करना कहते हैं। तो कौन कौन से पॉलिटिशियन ऐसे थे, कौन कौन से लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने जो कास्ट सिस्टम है हमारे कंट्री में, जो कास्ट हायरार्की है, कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट में बहुत सारा वर्क किया उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो उसके लिए कुछ, मतलब कुछ नेताओं का एग्जाम्पल जो आपके चैप्टर में दिया है, आपको उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करना है अपने एग्जाम में। तो ज्योतिबा फुल्ले, ये सारा नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जो है हमारे यहाँ, और B.R. अंबेडकर, दीज आर द फेमस लीडर्स हु वर्क फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आप लोग इसका आंसर, ये तीन तीन नाम आपको नंबर मिल जाएगा इससे। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्रीज वेमेन्स आर गिवेन हाई प्रोफाइल। तो देखिए, NCERT बुक जो आप लोगों का है उसमें 3 कंट्रीज का नाम दिया हुआ है जहाँ पर कि औरतों को एक अच्छा मतलब स्टेटस मिलता है, अच्छा प्रोफाइल मिलता है, वर्क प्रोफाइल भी उनका अच्छा होता है। मतलब वो एक तरीके से 100% तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इक्वालिटी इंजॉय कर पाती हैं। वो जितने भी कंट्री हैं वो हैं, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे और डेनमार्क। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इन्हीं कंट्रीज का नाम लिखना है, क्योंकि इनका जिक्र आपके किताबों में किया हुआ है, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 2001। तो यहाँ पे आप रेशियो या फिर आप परसेंटेज भी याद रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो था परसेंटेज कंट्री में, वो है 16.2%। ये 2001 की बात हो रही है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज है 8.2%, ठीक है? अभी आप कमेंट करके बताइए कि 2011 में, क्योंकि जो अभी जनगणना हुआ है, जनगणना हमेशा 10 साल पे होता है, अब अगला जनगणना होगा 2021 में, तो आप 2011 के जनगणना के हिसाब से बताइएगा कि क्या परसेंटेज है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वेयर, यहाँ वेयर नहीं होगा, वेयर होगा, व्हाट वेयर गांधी जी ओपिनियन रिगार्डिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के लिए गांधी जी का ओपिनियन क्या था? तो गांधी जी बोले थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो ये इनका ओपिनियन था, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम
पॉलिटिक्स, तो ये हो जाएगा गांधी जी का ओपिनियन। ठीक है, एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, जो पहला वीडियो था उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो उसमें थोड़ा सा वर्ड्स अलग थे, एक बार इसको समझ लीजिए फिर से। क्या था जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन था, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन था वही तो ऑर्गेनाइज करता था ना फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का जो डिमांड था वो डिमांड्स आप यहाँ भी लिखिएगा, सेम आंसर हो जाएगा। जैसे क्या था उनका डिमांड, क्या था कि जो वीमेन्स हैं उनका एक सिग्निफिकेंट, पहले तो उनके लाइफ का जो स्टेटस है ठीक है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, उनका जो पब्लिक लाइफ है उसमें उस फीमेल्स का स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो, पहले से बेहतर हो, एक ये डिमांड था। दूसरा क्या था, दूसरा डिमांड था कि वीमेन्स जो हो वो एक्टिव रोल प्ले करें, किस चीज में एक्टिव रोल प्ले करें, पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करें। तो इसके लिए उन लोगों का क्या डिमांड था कि एक्टिव रोल पॉलिटिक्स में कैसे प्ले करेंगी, तो लोकसभा और राज्यसभा में फीमेल्स के लिए एटलीस्ट 1/3 सीट जो है वो रिजर्व कर दिया जाए, 1/3 सीट जो है वो रिजर्व किया जाए, ऐसा डिमांड था वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का। नहीं हो पाया लोकसभा और राज्यसभा में, नहीं हो पाया, लेकिन जो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, थर्ड टायर, फेडरलिज्म में आप लोग पढ़े होंगे, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है पंचायत सिस्टम, तो इस पंचायत सिस्टम में औरतों का सीट जो है वो रिजर्व किया गया है बहुत जगह पे। ये दो डिमांड हम लोग जान गए, स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए पहले से, और एक्टिव हो पॉलिटिक्स में, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया जाए, कुछ सीटों को रिजर्व किया जाए स्टेट असेंबली में भी, जो स्टेट में चुनाव होते हैं ना, स्टेट असेंबली जिसको विधानसभा कहते हैं। तो ये वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड ये भी था कि कुछ सीटों को रिजर्व किया जाए स्टेट असेंबली में भी, यहाँ भी रिजर्वेशन का डिमांड था उनका, ठीक है, ये उनका डिमांड था। और क्या था, और डिमांड था इक्वल वेजेज का, इक्वल वेजेज मतलब बराबर काम औरत करे या मर्द करे, सैलरी दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये एक ऐसा डिमांड था कि सैलरी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट, ये यही सब कुछ डिमांड्स थे, इनको हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डज जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज रिफ्लेक्ट्स दैट हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेंस आर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन। मतलब हम आपको जब इसका वीडियो बनाना शुरू किए थे तो एक जगह बताए थे कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, कि जेंडर के आधार पर काम बटा हुआ है, ठीक है, घर संभालना और बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाना, ये सब औरतों का काम है इन आवर स्टेरियोटाइप सोसाइटी। तो आपको बताना है कि आप किस तरीके से ये चीज़ शो कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर में घर संभालना और बच्चों की जिम्मेदारी जो है, बच्चों का ध्यान रखना, लालन पालन करना उनका, ये महिलाओं की जिम्मेदारी है, इसको आप किस तरीके से शो कर सकते हैं। देखिए ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी से भी आप देख सकते हैं कि जो मोस्टली औरतें होती हैं, पॉइंट्स में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, बाय फॉलोइंग पॉइंट्स, ये क्वेश्चन में से लिख के कि द वेज, यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके, और लिखिएगा आर एज फॉलोज। तो उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि वीमेन जो है इन मोस्ट फैमिली वर्क इनसाइड द होम। तो ये एक पॉइंट हो गया कि औरतें जनरली घर के अंदर काम करती हैं, तो घर के अंदर का काम क्या होता है, दे डू वर्क लाइक, दे डू
वर्क लाइक, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, वॉशिंग, कुकिंग, टेलरिंग इटीसी, ठीक है। और उसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी दे आर नॉट गेटिंग एनी पेमेंट, मतलब दीज जॉब्स वेयर, दीज जॉब्स आर अनपेड। और कोई कहता भी नहीं कि वो लोग काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, लोग पूछता है और बोल देते वो हाउस वाइफ है। तो ये इतना पॉइंट तो ये बताता है कि औरतें काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक इससे ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये औरतें, ये काम औरतों का ही है। देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि ये काम करने के लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलता, अनपेड होता है ये चीज। चौथा पॉइंट इसमें इंक्लूड करिएगा कि इफ दिस वर्क्स आर डन बाय मेन दे गेट पेमेंट फॉर दिस। अगर यही सब काम मेल्स जो है वो अगर आउटसाइड द होम करते हैं, घर के बाहर करते हैं, आउटसाइड द होम, तो उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है कि अगर ये काम औरतों के लिए बना है तभी तो पेमेंट नहीं उनको मिल रहा है। जो हमारे सोसाइटी का रहने का हमारे सोसाइटी का जो थिंकिंग है, ये काम औरतों के लिए बना है तभी तो पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मर्द उसको करते हैं उसके लिए उनको पेमेंट मिलने लगता है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय वेमेन इन पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स में औरतों का रोल क्या है? तो जो पब्लिक अफेयर्स में औरतों का रोल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दे प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल। लाइक पॉलिटिक्स में आप लिख सकते हैं कि आज के टाइम में, ये अभी का सिनेरियो है, पॉलिटिक्स में दे आर एक्टिव MPs, MLA, ठीक है। प्रोफेशन में, प्रोफेशन की बात करें हम लोग तो वीमेन्स आर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सो मैनी प्रोफेशंस। तो मतलब औरतें जो हैं, ये दो चीज़ तो हो गया, मतलब दो पॉइंट आपका हो जाएगा कि द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाई द वीमेन इन पब्लिक अफेयर, इन पॉलिटिक्स दे आर MPs, MLA, प्रोफेशनली दे आर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स। और इतना सारा चीज़ करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा कि दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन वॉट, वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग द हाउस होल्ड वर्क। घर के कामों में भी बहुत अच्छी होती हैं ये लोग, तो इन हैंडलिंग द हाउस होल्ड वर्क। तो जितना काम मेल करते हैं वो सारा तो करती ही हैं, उसके साथ साथ घर का भी काम कर लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी के लिए। इनके बिना मतलब सोसाइटी इमेजिन करना ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता इनके बिना सोसाइटी, ठीक है। तो हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसको थोड़ा पीछे करना, हाँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होगा। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा अच्छे से। आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और थोड़ा बहुत तो अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चुनाव लड़ने से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उम्मीदवारों को टिकट देती है, ठीक है। तो टिकट देते वक्त ये पूरा सिनेरियो आप समझिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। टिकट देते वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये ध्यान रखती है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कौन से एरिया में
किस कास्ट का जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस बेसिस पर या तो उसी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर देगी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर जो उनका पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा होगा वो उस कास्ट के डिमांड्स को, इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने वाला होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या है। पॉइंट्स हम आपको लिखवाते हैं, साथ साथ लिखते चलिए कि वेन अ कैंडिडेट आर चोजन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द एरिया इज केप्ट इन माइंड एंड देन कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड हु कैन विन द इलेक्शन। पहले उस एरिया के कास्ट का कंपोजिशन देख लिया जाता है कि कितने परसेंट कौन से कास्ट है, उसके बाद नॉमिनेशन होता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो इन इस कास्ट का पूरा वोट ला सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो वैसे अपील, मतलब वैसा एजेंडा बनाती है जो कास्ट के सेंटिमेंट को सेटिस्फाई कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट ऑफ द इलेक्टोरेट। पर्टिकुलर जगह पे जाएंगी, कास्ट बेसिस पर भाषण देते हैं लोग, जिससे कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो है उनके तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि कास्टिज्म जो है, कास्ट हैज बिकम अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये चुनाव जीतने के लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आजकल होता है। तो आप, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या है और इसका बेसिस क्या है। बस कास्ट कॉम्पोजिशन को देखकर ऐसा कैंडिडेट लाना जो कि उस कास्ट के वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ना दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। मेंशन द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ, अच्छा अगला क्वेश्चन हम किसी वीडियो में ले लेंगे, एक सेम इसी के तरह का क्वेश्चन होता है। मेंशन द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स का निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? तो निगेटिव एस्पेक्ट इसका क्या क्या हो सकता है, देखिए जो पॉलिटिक्स बेस्ड कास्ट है, सॉरी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज तो आप बता सकते हैं निगेटिव इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए? देखिए स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा, ये वाला जो पैड है जिस पे हम लिखते हैं उसका, उस पे हमको लिखने का आदत नहीं है, तो बस हम इतना लिख देते हैं कि आप लोगों को वर्ड समझ में आ जाए। क्योंकि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के इंटरेस्ट को ध्यान रखता है। तो फिर जो हमारे यहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का जो थिंकिंग है ये अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो नॉट गुड फॉर पॉलिटिक्स, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो जो हमारा मेन इशू है उस पर से हमारा ध्यान हटा देता है। हम लोग सरकार चुनते हैं कि जो सरकार है हमारे देश का स्थिति अच्छा करे। हमारे यहाँ जो मेन इशू है जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन, इन सब के अगेंस्ट में वो काम करे, इन सब के लिए काम करे, इन सब को ख़त्म करने के लिए काम करे। लेकिन अगर कहीं पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है तो बस एक पर्टिकुलर कास्ट जो है बस अपने फायदे का बात सोचेगा और सोचेगा कि मेरा जो, जिसको हम, जिस उम्मीदवार को हम जिताए हुए हैं वो उम्मीदवार सिर्फ मेरे कास्ट के लिए काम करे। तो इससे तो देश का जो मेन प्रॉब्लम है वो, उससे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं ना, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इशूज लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कास्ट पॉलिटिक्स जो है सोसाइटी में एक टेंशन और वायलेंस का माहौल क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये सब आप पॉइंट्स हम बता रहे हैं, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, डाइवर्ट कर देता है मेन इश्यूज से, तीसरा जो है हमारे सोसाइटी में टेंशन और वायलेंस का माहौल बना देता है, और जिससे क्या है मतभेद पैदा हो सकते हैं। इट क्रिएट्स द चांसेस टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो अलग अलग सोशल ग्रुप है
उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर सकता है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। तो 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको 4 पॉइंट बता दिए इसमें, तो आप और भी बहुत सारा चीज़ जोड़ सकते हैं। जैसे अब बहुत सारा चीज़ इसमें आप जोड़ सकते हैं, जैसे क्या जोड़ सकते हैं कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है वो डेवलपमेंट का गोल पूरा ना करके सिर्फ वोट बैंक का काम करेगा। अभी एक क्वेश्चन है ना, कास्ट इज डेंजरस, सॉरी यहाँ कास्टिज्म होगा, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं तो और भी कुछ बताएंगे। अभी यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप्स। जो जेंडर का डिवीजन है वो सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से ही नहीं है, बल्कि हमारा कुछ उसमें सामाजिक धारणा भी है, सामाजिक सोच भी है, जो कि जेंडर डिवीजन को आइडेंटिफाई करता है, प्रूफ करता है। तो ये जो हम लोग अभी तक इतना सारा क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें जो लोगों का थिंकिंग है वही बता देता है कि हमारा जो सोशल एक्सपेक्टेशन है वो भी कास्ट को डिवाइड करता है, जैसे सॉरी कास्ट नहीं, जेंडर को डिवाइड करता है। वही वाला चीज़ जैसे मतलब ऐसा माना जाता है कि जो गर्ल्स होंगी, जो औरतें होंगी, वो घर के काम के लिए बनी हैं, और जो मेल और बॉयज़ हैं वो बाहर के काम के लिए बने हैं। ठीक है, एक ये हो गया। फिर से वही सारा पॉइंट्स आपको फिर से लिख देना है कि इसके वजह से क्या होता है, घर के कामों के लिए वीमेन डज नॉट गेट एनी सैलरी, ठीक है, बट अगर वही काम मेल करते हैं तो उसको उसके लिए सैलरी मिलता है। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही, यही सारा पॉइंट दोबारा हो जाता है। मतलब जो भी पॉइंट्स हम लोग किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको फिर से लिख देना है, ये आपको पता चल जाएगा कि जो जेंडर डिवीजन है वो बायोलॉजी के हिसाब से ही नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक धारणा के हिसाब से भी है। जो भी हमारे पुराने सोच के लोग हैं, जो स्टेरियोटाइप्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ कास्टिज में, यहाँ देखिए कास्ट नहीं है, यहाँ पे कास्टिज में, हाउ कास्ट इज डेंजरस नहीं है, यहाँ पे है कास्टिज में इज डेंजरस, यहाँ हम कर देते हैं कास्टिज, हाउ कास्टिज इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी, फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। पहला पॉइंट तो आप वही लिख दीजिएगा ना कि कास्टिज जो है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, कास्टिज जो है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ये जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स को इंक्रीज करता है। वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स होता है ना, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसको इनकरेज करता है, मतलब किसी भी तरीके से सेंटिमेंट के साथ खेल के बस वोट ले लेना है, तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स को ये इनकरेज करता है कास्टेज। तीसरा चीज क्या है, अगर लोग एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में ही, पर्टिकुलर कास्ट के ही इंटरेस्ट के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारा नेशनल यूनिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट डिसइंटीग्रेट नेशनल यूनिटी। हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट है, उसके बावजूद भी हमारा देश अभी तक साथ में है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। अगर सब लोग पर्टिकुलर जाति के बारे में सोचने लगे कि सिर्फ मेरा जाति ही आगे निकले, मेरे ही, मेरे कास्ट के लोग, या फिर अगर आप लोग कम्युनलिज्म भी अगर पढ़ते हैं, अभी इसमें बहुत सारा टर्म आएगा आगे, हम लोग अभी तो 2 पेपर 3 पेपर और करेंगे, तो अगर कोई पर्टिकुलर सोचता है कि सिर्फ मेरा रिलीजन ही आगे निकले, तो इससे क्या है, देश का जो अखंडता है, यूनिटी जो है वो बर्बाद हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसके वजह से डेमोक्रेसी को हम लोग डेंजरस, सॉरी कास्टिज्म को हम लोग डेंजरस बोल सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट का आदमी जीत जाता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करके, तो वो बाकी कास्ट के प्रॉब्लम्स को ओवरलुक कर देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो इससे क्या होगा, बाकी कास्ट का जो स्थिति है वो डाउन हो जाएगा। और अगर किसी का भी, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर
किसी तरीके से उसका स्थिति डाउन होता है तो इसका अफेक्ट जो है पूरे के पूरे कंट्री पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। इज कास्ट सिस्टम इज कमिंग टू एन एंड, एक्सप्लेन। क्या कास्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो रहा है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए पूरे तरीके से तो अभी खत्म नहीं हो रहा है, हाँ लेकिन हो रहा है, आप इसको आंसर करिएगा यस। कैसे, कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको। जैसे बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, तो ये लोग जो है वो काफी सारा उपदेश दिया, प्रीचेस दिए, किसके अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम, ठीक है। दूसरा चीज, आज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक बसेस होता है, उसमें सब लोग साथ साथ आते जाते हैं, अब किसी तरीके का वो चीज़ नहीं है अनटच्ड, और ये जो टचेबिलिटी होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ ख़त्म हो गया। आज सब लोग पब्लिक में एक साथ बाहर के चीज़ों को यूज करते हैं, सेम रेस्टोरेंट को लोग यूज करते हैं, सेम बसेस से आते जाते हैं, जितना भी सर्विसेज है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ है, अब पहले जनरली जो होता था, सिर्फ एक ही कास्ट में आदमी, जो भी मैरिजेज और इन सब का रिलेशन होता था वो एक ही कास्ट में होता था, लेकिन आजकल इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है, इंटर कास्ट मैरिज जो है वो हो रहा है, जो कि दिखाता है कि ठीक है ये थोड़ा विवादित चीज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जगह इसको एक्सेप्ट करते हैं लोग। तो ये बता रहा है, देखिए कोई भी चीज़, बुरा चीज़ एक बार में ख़त्म नहीं होता है, ये हम लोग का कास्ट सिस्टम जो है हमारे सोसाइटी का बहुत बुरा चीज़ है, तो ये एक बार तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि सबको मॉडर्न एजुकेशन मिल रहा है, मॉडर्न एजुकेशन मिल रहा है जिससे कि सभी लोग जो हैं हर तरह के काम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन जो है वो अब सर्टिफाई नहीं है। पहले क्या था, कास्ट बेसिस पे ऑक्यूपेशन था, ठीक है, अच्छा हो रहा है ये ख़त्म हो रहा है। पहले कुछ मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर कास्ट का है तो वो यही काम करेगा, ठीक है, ऑक्यूपेशन जो था कास्ट बेसिस था, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के वजह से आजकल हर लोग हर तरह के कामों में लग रहे हैं, काम का कोई जात पात नहीं हो गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप लोग देखते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इन चीज़ों को बताता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कास्ट सिस्टम पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पहले क्या था, आज देखिए हायर एजुकेशन जो है वो सभी ले सकते हैं, जो भी चाहता है वो हायर एजुकेशन ले सकता है, लेकिन एक टाइम था कि सिर्फ तीन ही जाति के लोग जो थे, ठीक है, वही हायर एजुकेशन ले सकते थे, अब सारे लोग हायर एजुकेशन ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जो कि बता रहा है कि कास्ट सिस्टम आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर को आप कंप्लीटली, कौन से चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।